हेलो एवरी वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आदर्श अकेडमी जो भी स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए और जल्दी से वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए बच्चों वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है आज हमारा ठीक है तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए मॉडर्न हिस्ट्री से हम वो सब क्वेश्चन करेंगे जहाँ से क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ये ठीक है तो आज हम जो कवर करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस जो हम मॉडर्न हिस्ट्री का कवर कर रहे हैं ठीक है तो मॉर्निंग में जो हमारे क्लासेस चलते हैं ये आपके चलते हैं यू पी के लिए आर ओ के लिए चलते हैं ठीक है जिसमें हम जी और जी के के पोर्सन को कवर कर रहे हैं जनरल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज और इसमें हम आपको एम फॉर्म में क्वेश्चन को देंगे ठीक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आपको एक क्वेश्चन विथ चार ऑप्शन रहते हैं और जो भी आपको करेक्ट लगता है उसमें से कोई भी आपको एक करेक्ट करना होता है ठीक है यही पैटर्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा ये हमारा पार्ट नंबर तेईस है इस मीन्स कि ऑलरेडी ट्वेंटी टू पार्ट जो है अपलोड किए जा चुके हैं तो अगर आप नहीं देखे हो बच्चों तो प्ले में जाइए और सारे क्लासेस को देखिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मोस्ट टारगेटेड क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के लिए ठीक है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है आपके और मेरी जो टाइमिंग है वो टेन बजे की है मतलब दस बजे की टाइमिंग है ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो ये सारी टाइमिंग आप देख लीजिएगा इसी टाइम पर हमारी क्लासेस होती हैं ठीक है थीके? तो आप वीडियो के नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए नहीं भी आएगा तो भी आपको चैनल पर विजिट कर लेना है ठीक है तो वीडियो अच्छा लगे तो एक बार हिट द लाइक बटन ठीक है शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा तो चलिए मैं अपने क्लास को शुरू करती हूँ सभी को आंसर करना है सभी को कमेंट में आंसर करना है कोशिश कीजिए लाइव सेशन में क्लास करने का और सभी को आंसर करना है और जो क्लास बाद में देखेंगे उनको भी क्लास में क्या करना है रिप्लाई करना है कमेंट करना है ओके बच्चों चलिए पहला क्वेश्चन भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन शॉडर्स की हत्या की थी तो किनकी मृत्यु हो गई थी उस टाइम और उस समय उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए उनकी हत्या का बदला लेने के लिए इनको क्या किया गया था कि इन्होंने जॉन शॉडर्स की ब्रिटिश अधिकारी जो थे उनकी हत्या कर दी थी सभी को आंसर बताना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई होप कि आप सभी आंसर इसका बताओ तो यहां पे आंसर होगा लाला राजपत राय की मौत साइमन कमीशन जो था आपका उसके विरोध में याद रखिएगा ये चीज साइमन कमीशन के विरोध में लाला राजपत राय की मृत्यु हो जाती है उन्हें उनके लाठियों के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो जाती है और इन्हीं के इन्हीं के मृत्यु के बदला लेने के लिए ये लोग जो होते हैं वो ब्रिटिश अधिकारी साडस की क्या करते हैं हत्या कर देते हैं और बाद में चूंकि इन सबको क्या होता है फांसी भी दिया जाता है जिसमें भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु ये सब सब शामिल थे लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद बच जाते हैं बच्चों ठीक है बाकी को फांसी मिल जाती है ओके तो ये आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चिटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था तो सभी को आंसर बताना है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगर हम बात करें तो आपका जो शस्त्रागार धावे जो है चिटगांव शस्त्रागार धावे ये आपको ध्यान में रखना है इस धावे को मास्टर दा के नाम से भी पुकारा जाता है मास्टर दा के नाम से और इसे सुरसेन ने आयोजित किया था ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है सूर्यसेन ने ही सूर्यसेन ने आई आर ए इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी ओके और इन सदस्यों में सूर्यसेन के अलावा भी लोग थे उसमें एक तो प्रीति लता वाडेकर वाडेदार का नाम है गणेश घोष कल्पना दत्त आनंद गुप्ता टेगरा बल ये सब प्रमुख थे ठीक है तो ये आपको ध्यान में यहाँ रखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट वन निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था जेल की दीवारों पर सॉरी जल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था है। है तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों कि कौन से कहाँ के जेल में तो वो क, आ, कहा के जेल में तो ये अंडमान के जेल में थे अंडमान के जेल में तो कौन थे बच्चों तो वो थे वी डी सावरकर ठीक है विनायक दामोदर सावरकर तो वो थे और उन्होंने ही अंडमान के जेल में दीवारों पर महाकाव्य कमला जो है वो लिखा था तो ये पूछ सकता है कि कमला महाकाव्य किन के द्वारा लिखा गया तो यहाँ पे आपको बताना है वी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया ठीक है बच्चों नेक्स्ट लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे उनमें से दो अन्य कौन थे जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा लाल बाल पाल अगर हम बात करें 1906 में तो 1906 में क्या था कि अगर भारतीय राजनीति में बात करेंगे तो उस टाइम गरम दल का जो है गरम दल का जो प्रभाव है ये सबसे ज़्यादा था ठीक है अगर हम गरम दल में बात करें तो लाल बाल पाल ही थे गरम दल के गरम दल में प्रमुख थे और ये जो है ये लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक लाला राजपत राय बिपिन चंद्रपाल ये तीन नाम जो है लाल बाल पाल से लाला राजपत राय बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्रपाल ठीक है बच्चों तो ये किससे संबंधित है ये गर्म दल से संबंधित है नेक्स्ट वन ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हो पड़ा हो गया था तो देहांत जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करेंगे बच्चों तो इनका जो जन्म हुआ था ये आपका वाराणसी में हुआ था ठीक है और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी तो अगर किन्हीं भी स्टूडेंट को पता है कोई कोई भी स्टूडेंट जानता है इसका आंसर क्या होगा बच्चों तो प्लीज़ सभी को कमेंट में आंसर बताना है कि क्या होगा इसका आंसर ठीक है तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ग्वालियर ग्वालियर जो कि आपका एमपी में है और यूपी में वाराणसी है है ना बच्चों ये तो पता ही है सबको तो रानी लक्ष्मी का जन्म वाराणसी में हुआ था लेकिन इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी को आंसर करना है ओके सभी को आंसर करना बच्चों तो अठारह जो है ना उसको पहले स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है जिसके प्रमुख नेता थे तात्या टोपे बहादुर शाह जफर द्वितीय रानी लक्ष्मीबाई ये तीन जो थे ये फेमस थे तो ये तो थे रानी लक्ष्मीबाई भी थे तात्या टोपे भी थे लेकिन कौन नहीं थे तो असफुल्ला खान जो थे वो नहीं थे क्योंकि ये काकोड़ी षड़यंत्र केस फैजाबाद ज़िले में उनकी क्या हुई थी उनको फांसी दे दी गई थी सत्ताईस दिसंबर को तो टाटे टोपे जो है ककोड़ी कांड षडयंत्र केसेस रिलेटेड है तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित ये नहीं थे बच्चों तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका अश्खुल्ला खान ठीक है क्योंकि ये तीन जो व्यक्ति थे ये संबंधित थे ये सी वाला जो आंसर है ये सही होगा क्योंकि ये रिलेटेड नहीं थे इससे निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा नक्सलवाड़ी विद्रोह डी okay, इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार पूछा गया है बच्चों और पूछा ही जाता है ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है इसका आंसर क्या होगा सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है अखिल भारतीय सेवा अखिल भारतीय सेवा यूपीएससी इसको जिसको बोलते हैं ना यूपीएससी है ना ये वे सेवाएं होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जो राज्य और केंद्र स्तर पर क्या होता है समान होती हैं ओके और ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें पद होती हैं महत्वपूर्ण अलग अलग सेवाएं होती हैं जिसमें अगर अखिल भारतीय सेवाओं में प्रमुख रूप से अभी जो है वो है आपका आई आईपीएस एस आई पी एस एंड आई एफ एस है ना ये तीन है यहाँ पे प्रमुख रूप से ये सेवाएं हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक जो है वो किसको कहा जाता है बच्चों तो वो कहा जाता है आपका <coughs> तो ये आपको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ओके हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है जो कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल में ये सॉरी आपके यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है बच्चा लेकिन यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल विलियम बेंटिंग नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा तो सिविल सेवा का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है नेक्स्ट अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया है सॉरी 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 यहाँ पे आपका जो होगा सिविल सेवा का जनक जो है ये कॉर्नविल को माना जाता है ठीक है ये कॉनविलिस्ट होगा लॉर्ड को भारत के सिविल सेवा का जनक माना जाता है ठीक है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है वो क्या था भारत के सिविल सेवा लेकिन ये है अखिल भारतीय सेवाओं का जनक ठीक है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल अखिल भारतीय सेवा मतलब यू है ना जो संघ केंद्र के लेवल पर हो तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा नेक्स्ट वन तो यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा जैसा कि मैं अभी फिलहाल हो गई थी तो भारत के सिविल सेवा अगर भारत की पूछा जाएगा बच्चों तो लॉर्ड कॉन्वलिस्ट होगा और अगर अखिल भारतीय पूछा जाएगा तो वल्लभ भाई पटेल होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट वन पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था तो अगर हम बात करें इस युद्ध के बारे में बच्चा तो ये जो हुआ था ये किसके कार्यकाल में ये युद्ध हुआ था तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है तो ये हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में ये युद्ध जो है प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध ये हुआ था और ब्रिटिश सेना ने क्या किया था कि बर्मा को बर्मी को जो है पराजित कर याडबो की संधि की थी तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ब्रिटिश और ब्रिटिश सेना और बर्मी के बीच में कौन सी संधि हुई थी ब्रिटिश सेना ने बर्मी को क्या किया था हराया था है ना हराया था और इन दोनों के बीच में जो संधि हुई थी जो ट्रीटी हुई थी ये ट्रीटी आपको याद रखना है वो था याडबो की संधि ठीक है याडबो की संधि हुई थी तो प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध में याडबो की संधि हुई थी ठीक है तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेना है नेक्स्ट वन बंगाल सती अधिनियम अठारह किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको भी आंसर पता है आंसर करके जरूर बताइए ठीक है और क्लासेस अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए बच्चों तो यहाँ पे आपको याद रखना है आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक लेकिन ऐसा करने के लिए राजा राम मोहन राय ने इन्हें प्रेरित किया राजा राम मोहन राय ने इन्हें प्रेरित किया लेकिन ये चीज लागू जो किया गया वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू किया गया और विलियम बेंटिक ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत सती प्रथा जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई और वो कौन सा था वो था दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा ठीक है 17 नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया लेकिन लागू किया लेकिन इसे प्रेरणा किसने दिया कैसा कि करना चाहिए सती प्रथा को हटाना चाहिए तो ये चीज़ राजा राममोहन मोहन ने राय दिया था ठीक है चलिए नेक्स्ट वन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने बनाई थी यह भी का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जल्दी से बताइए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने बनाई थी इसे व्यापगत का सिद्धांत भी कहते हैं तो यह जो नीति है यह जो पॉलिसी है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था ठीक है लॉर्ड डलोजी के द्वारा ये बनाया गया था जिसमें कुछ राज्य थे जिनका विलय हुआ था जैसे कि सतारा जैतपुर शमलपुर बघाट उदयपुर झांसी और नागपुर तो ये राज्यों को क्या किया था कंबाइन किया गया था मिलाया गया था इन राज्यों का विलय किया गया था तो आपको चीज़ें वो तो आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है सतारा जैतपुर संभलपुर बघाट उदयपुर झांसी और नागपुर ये उदयपुर वो वाला उदयपुर नहीं ये वाला उदयपुर ठीक है ये चीज़ आपको याद रखना है तो बेसिकली जो आपको याद रखना है वो चीज़ ये होना चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेवस या बेवगत का सिद्धांत जो है वो किनके द्वारा लाया गया तो नीति किसके द्वारा अब बनाई गई थी तो वो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वन माउंटेंग्यू चेंज फॉर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था तो उस टाइम क्या था कि भारत सचिव कौन थे भारत सचिव थे ए, ये ये थे भारत वाइस राय वाइस राय थे तो इन दोनों के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1919 उनीश, ठीक है तो मॉन्टेगेट पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया तो वो आया था उन्नीस उनीश में नेक्स्ट वन भारत सरकार अधिनियम उन्नीस उनीश के साथ क्या सच नहीं है तो यहाँ पे क्या है कि जब पारित किया गया 1919 उनीश अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 सौ उनीश, बता दे रही हूं भारत सरकार अधिनियम उन्नीस जब ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किया गया तो इनका जो प्रमुख उद्देश्य था बच्चा वो क्या था कि भारतीय शासन में भागीदारी जो है भारतीयों का वो बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य था तो इनका मुख्य जो उद्देश्य था वो था भारतीयों की जो भागीदारी है भारतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी किस में तो भारतीय प्रशासन में या भारतीय शासन में वो क्या था बढ़ाना था ठीक है तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों की भागीदारी जो है भारतीय प्रशासन या शासन में उनका बढ़ाना ठीक है ये आपको ध्यान में रख रखना है और ये पारित किया गया था माउंटेंग्यू चैम्स फोर्ड माउंटेंग्यू जो कि उस टाइम कौन थे उस टाइम भारत के क्या थे भारत सचिव थे और चैम्स कौन थे उस टाइम थे वाइस राय तो इन दोनों के कार्यकाल में ही ये चीज़ लाया गया और इनका क्या इस अधिनियम का दूसरा उद्देश्य क्या था ये तो पहला हो गया दूसरा था कि द्वेध शासन लाना है ना तो दूसरा उद्देश्य द्वेद शासन भी था कि विधानमंडल में भी केंद्र विधानमंडल में दिशनी प्रथा लाना ठीक है मतलब जो प्रशासन व्यवस्था है वो पर्टिकुलर किसी एक लोगों के हाथ में ना हो इसे क्या किया जाए विकेंद्रीकृत किया जाए ठीक है ना की केंद्रीकृत किया जाए तो द्वे शासन की पद्धति इस यहीं से शुरू होता है तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल जूट मिल कहां स्थापित किया गया था जूट मिल तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा <coughs> जूट या पटसन जूट या पटसन जिसे क्या बोला जाता है तो इसे बोला जाता है गोल्डन फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है ठीक है स्वतंत्रता से पूर्व बंगाल में सर्वप्रथम जूट मिल की स्थापना की गई ठीक है तो पे पे तो बंगाल करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी तो यहाँ पे होगा दादा भाई नरोजी ए करेक्ट आंसर दादा भाई नरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ इसका सिद्धांत किसने दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ धन की निकासी का सिद्धांत सॉरी ओके धन की निकासी का सिद्धांत जो है वो दादा भाई नरोजी के द्वारा ही दिया गया था नेक्स्ट वन 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ इनका आदेश जो दिया गया वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था बच्चों लॉर्ड कर्जन जो थे 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल था ठीक है और अपने कार्यवर्ष में ही उसने बंगाल विभाजन का आदेश दिया और इसकी घोषणा जो हो रही है वो 19 जुलाई 1905 में हुई थी और 16 अक्टूबर को 1905 में यह लागू हो गया ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है जिसे बंगाल में से शोक सभा के दिवस के रूप में मनाया गया ठीक है शोक दिवस के रूप में से मनाया गया था और याद रखना बच्चों 1905 में तो बंगाल विभाजन हो रहा है लेकिन ठीक इसके छः वर्ष बाद दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन जो हुआ था उसको रद्द कर दिया गया ठीक है दिल्ली दरबार जब आयोजित किया गया तो उस टाइम बंगाल विभाजन को क्या किया रद्द कर दिया गया मतलब छः वर्ष के बाद ही ये रद्द हो गया ठीक है नेक्स्ट स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी <coughs> तो सात अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में जब एक बैठक हो रही थी तभी स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कर दी गई थी ठीक है नेक्स्ट वन इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था तो ये आपका हो जाएगा कौन सा आंदोलन तो स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है लाल बाल पाल लाला राजपत राय बिपिन चंद्र पाल बाल गंगाधर तिलक ठीक है तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है नेक्स्ट वन ये फुल आपको जरूर याद होना चाहिए नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई दिसंबर 1911 में बच्चा दिसंबर 1911 में जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी दिल्ली आते हैं ठीक है तो दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया और उसी समय बारह दिसंबर उन्नीस में क्या हुआ कि सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया घोषित किया और बंगाल विभाजन रद्द हो गया और उसके बाद ही कलकत्ता से राजधानी जो है कहाँ पर ले जाया गया दिल्ली है ना तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है ठीक है तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था तो ये अभी हमने बताया तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ये होगा आपका सी कोलकाता ठीक है नेक्स्ट वन अठारह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये सिविल सर्वेंट थे ठीक है और आ, 1884 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी इनका नाम था आपका आ, एलन ऑक्टियन ह्यूम ठीक है तो इन्होंने क्या किया था कि 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किए थे भारतीय राष्ट्रीय संघ की इन्होंने स्थापना की थी और इसी के बाद जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत ये माने जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एल एन ऑक्टियन होम जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ये 28 दिसंबर 1885 में हुआ था 28 दिसंबर 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे हैं? तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन थे पहले अध्यक्ष तो ये थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी तो ये कन्फ्यूज नहीं करना है बच्चे यहाँ कन्फ्यूज ये कर जाते हैं कि पहले अध्यक्ष थे आ, 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 आपके ए ओ ह्यूम नहीं वो ए ह्यूम उसके संस्थापक थे लेकिन यहाँ पहले अध्यक्ष जिसके अधिवेशन जो हुआ था अठारह में उसमें अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था बच्चों तो कन्फ्यूज मत करिएगा नेक्स्ट वन रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के सत्र में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था तो वंदे मातरम जो है वो हमारा राष्ट्रीय गीत है राष्ट्रीय गान है जन गण है ना बच्चों ये जिसको पता है, और किनको, किनको राष्ट्रीय मुझे, मुझे पूरा याद है आपको पूरा याद है नहीं, एक जरूर वंदे मातरम किनको पूरा याद है ठीक है ये हमारा राष्ट्रीय गीत है तो जल्दी से बताइएगा इनकी चटर्जी ने किया था और 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कातलपाड़ा नामक गांव में इस गीत की जो है वो रचना हुई थी ये चीज़ आपको याद नहीं रखना कि कब रचना हुई थी कहाँ पे रचना हुई थी बस आपको ये याद रखना है कि किन के द्वारा लिखा गया तो ये बकीम चंद चटर्जी के द्वारा लिखा गया और पहली बार कब गाया गया तो पहली बार गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ठीक है कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था ठीक है कलकत्ता अधिवेशन में एटीन में पहली बार ये गाया गया था ठीक है तो ये आपको ध्यान में यहाँ रखना है ये हमें स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है ये चीज़ ठीक है सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे ठीक है अगर कोई महिला होती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कोई मुस्लिम अध्यक्ष होते तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए बच्चों ठीक है क्योंकि आपका लाइक और शेयर हमारे मोटिवेशन के लिए होता है तो शेयर तो जितना मन करे उतना कीजिए ठीक है अपने दोस्तों के साथ लेकिन लाइक बस एक ही कीजिएगा तो अच्छा तो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मौलाना है बी इसका करेक्ट आंसर तेईस वर्ष में उन्नीस में मात्र ये बहुत कम एज के थे जब उन्होंने जब वे सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के ठीक है नेक्स्ट वन स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था तो इनके द्वारा जो है लोकमान्य तिलक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 में दो बम्बई में जो है दो पत्रिका अखबार इन्होंने शुरू किया था एक तो हो गया मराठा और दूसरा हो गया आपका केसरी जो कि आपको याद रखना है केसरी ये दो शुरू किया गया था तो यहाँ पे केसरी जो है आ, केसरी के संपादक केलकर और मराठा के संपादक थे आगरकार ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है तो मराठा के संपादक कौन है मराठा के हैं आगरकार <coughs> और केसरी के कौन है तो केलकर ठीक है तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है नेक्स्ट वन देश बंधु युवक संघ का गठन किसने किया था देश बंधु युवक संघ का गठन किसने किया था तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों तो ये आपको ध्यान में रखना है <coughs> तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका डी तिरुपुर कुमारन ओके तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका तिरुपुर कुमारन ठीक है नेक्स्ट वन स्वदेशी राजलिंग आंदोलन का संस्थापक कौन था तो स्वदेशी राज लिंग और एक चीज और है कौन सा आंदोलन होम रूल आंदोलन होम रूल लिंग आंदोलन उसके जो संस्थापक थे एक तो एनी बेसेंट और सेकेंड वन है बाल गंगाधर तिलक ठीक है तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने अप्रैल 1916 में बेलगांव में जबकि एनी बेसेंट जो है वो सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किए थे ठीक है तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है तो स्वदेशी राज लिंग आंदोलन या होम रूल लिंग आंदोलन ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था ओके नेक्स्ट वन किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया तो यहाँ पे आपका आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया तो जब 1911 में ये आए थे तो उस टाइम बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था ठीक है अरब सागर बंदरगाह में ये स्थित है ठीक है और इसके वास्तुकार का जो नाम है जो इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था उनका नाम है जॉर्ज विटेट और इसके शिलान्यास जो है वहाँ के राज्यपाल बम्बई के राज्यपाल ने 31 मार्च 1913 में किया था ठीक है नेक्स्ट वन एंड लास्ट क्वेश्चन है सभी को उसका आंसर बताना है ठीक है अगर आपको पता है सभी को आंसर करना है आंसर तो वैसे सारे क्वेश्चंस का आपको सभी स्टूडेंट को करना है गलत सही का आपको टेंशन नहीं लेना है ठीक है गलत भी हो तो कोई बात नहीं लेकिन आंसर सभी को करना है किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये है आपका अतुल डोलिया डी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है तो यहाँ पे जो आपका क्लास है वो समाप्त हो रहा है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा तो आप उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके ठीक है तो ये पूरा आप शेड्यूल याद रखिएगा ओके तो चलिए अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए वंदे मातरम